दतिया। बुंदेला कॉलोनी निवासी दंपत्ति महेश यादव और उनकी पत्नी के साथ शनिवार की रात डगरी बाईपास पर कट्टे से फायर कर नकदी व सोने के जेवरात लूटने तथा महिला को अगवा कर कुछ दूर छोड़कर फरार हुए बदमाशों को चिरूला पुलिस ने डगरी गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में पुनीत पुत्र रमेश पाराशर व दो बाल अपराधी शामिल हैं। उक्त अपराधी के विरुद्ध चिरूला एवं जिले के अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आईजी ने चिरूला थाना पुलिस बल को इनाम देने के लिए कहा है। एसपी अमन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, थाना प्रभारी शशांक शुक्ला उपस्थित रहे। और गाड़ी में इनकी पत्नी बैठी थी, तो पत्नी को भी साथ में ये बदमाश ले गए, क्योंकि ये लूट के साथ अपहरण और महिला के अपहरण का मामला था। बहुत ही गंभीर मामला था और काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। इसमें तत्काल थाना प्रभारी ने बहुत सक्रियता से काम किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। 3-4 इसमें टीम्स बनाई गई जो रात को ही उनकी तलाश शुरू की गई। जब अपराधियों को पता लगा कि पुलिस बहुत तेज़ी से उनकी तलाश कर रही है, उनके आसपास घूम रही है, तो वो महिला को छोड़ करके और भाग गए। बाद में कल शाम को पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर एक स्थान पर दबिश दी। वहाँ पे जो मुख्य आरोपी है पुनीत पाराशर, ये और इसके अन्य साथी जिनमें दो बाल अपचारी हैं, उनको मैं वेपन्स के गिरफ्तार किया गया और जो लूटा गया माल है पूरा वो ब्रेजा गाड़ी उनकी निशानदेही पे जब्त की गई है। ये बदमाश टोल को लूटने की भी योजना बना रहे थे, तो एक पृथक से अपराध धारा 399-402 के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है। और जो मुख्य अपराध था अपहरण और लूट का, उसमें पूरा माल मशरू का और जो अपराधा थी उनको जो गाड़ी चली गई थी पूरे को मुक्त कराया गया है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर रहती है और इसमें बहुत त्वरित गति से थाना प्रभारी उनकी टीम ने काम किया है। आगे साहब को जब ये बताया गया तो उन्होंने अपनी तरफ से 30,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को देने की घोषणा की है। मेरे व्यक्तिगत मत में भी इस साल जो भी घटनाएं हुई उनमें से एक बड़ी घटनाओं में से शामिल थी, और अगर इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो काफ़ी गंभीर परिणाम कई बार इस तरह की घटनाओं में हो जाते हैं। और थाना प्रभारी चिरूला गिरीश शशांक शुक्ला और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा और आशा करूंगा इसी प्रकार आगे भी कानून व्यवस्था को बनाए रखें ताकि लोगों में पुलिस की पूरी विश्वास डेवलप हो। धन्यवाद। कौन है ये अपराधी, पहले भी क्या ये इस तरह की बाधा से अंजाम दिया और कहाँ के हैं? ये डगरई के रहने वाले हैं, दो बाल अपचारी है, दोनों में नाम नहीं बताऊंगा। एक पुनीत पाराशर है, इसके पहले भी कोतवाली में अपराध दर्ज है, मारपीट के भी हैं, 307 का भी है। और इस पे अब चूंकि ये बालिग है और 3-4 अपराध कर चुका है, ये तो बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, तो इसे नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट NSA के तहत इस पे कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर आगे जब उनको लगा कि पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी करके ट्रेस कर रही है, तो पकड़े जाने के फैसले महिला को छोड़ के भाग गए। कुल कितने लूटे सर? जो मुख्य घटना थी उसमें 3 आरोपी थे, एक पुनीत पाराशर, 2 बाल अपचारी, और बाद में जब दबिश दी गई तो उनके साथ में 2 साथी और थे जो डकैती की योजना बना रहे थे। लूट में कितना मसूल पाया टोटल? टोटल लगभग 13 लाख का रहेगा। एक कार है पूरी, ब्रेजा गाड़ी भी लूटी गई थी, मोबाइल लूटे गए थे, मर्यादा की एक मंगलसूत्र उनकी पत्नी का, एक चेन सोने की, खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।